नमस्कार, एनबीसी न्यूज के चौपचा न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। इराक में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में तुर्की की गायक मेलिन मोशन ने कटवाए बाल। बिहार पटना में अवैध बालू खनन को लेकर दो गुटों में गोलीबारी, चार लोगों की मौत। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। कर्नाटक पुलिस ने पाया एसडीपीआई के दफ्तर और नेताओं के आवास पर की छापेमारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, कल करेंगे अपना नामांकन। अलीगढ़ में फैक्ट्री के अमोनिया गैस लीक मामले से कई लोग पड़े बीमार। आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटी, करीब 20 यात्री लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव, तो वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव को निर्विरोध सपा का चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,272 नए मामले आए सामने। और PFI का ट्विटर अकाउंट हुआ बैन, सरकार की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने लिया एक्शन।